नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2018 के बारे में। तो दोस्तों, यह इसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है, तो जानते हैं इसकी क्या आवेदन की आरंभ तिथि है, क्या इसकी अंतिम तिथि है, क्या इसकी फीस रहेगी, आपको फॉर्म भरने की क्या आयु सीमा, कितनी पोस्ट हैं और कौन कितनी शैक्षणिक योग्यता है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की आरंभ तिथि। दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2018 की इसकी आवेदन तिथि यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं 13 नवंबर 2018 से। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 27 नवंबर तक, यानी कि आप 27 नवंबर तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 13 नवंबर से 27 नवंबर तक इसकी फॉर्म भरे जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फीस के बारे में। तो दोस्तों, फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की फीस रहेगी 600 रुपये, ठीक है। कितनी? 600 रुपये रहेगी जनरल और ओबीसी की, और SC ST और फीमेल की रहेगी ओनली 100 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एज यानी कि आयु की। तो दोस्तों, आयु की बात करें तो 13 नवंबर 2018 तक 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 से 27 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें पद संख्या की, तो टोटल पद संख्या है 150, ठीक है। 150 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। दोस्तों यह भी डिवाइडेड है, जैसे कि जनरल के लिए 87, ओबीसी के लिए 22, SC के लिए 32 और ST के लिए 9 9 पोस्टें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शैक्षण योग्यता की। तो दोस्तों, शैक्षण योग्यता केवल और केवल ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य मांगा है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों, आवेदन आवेदन आवेदक आवेदन फॉर्म 27 नवंबर 2018 तक ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। जो आवेदक हैं वह 27 नवंबर के पहले फॉर्म भर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया के। तो दोस्तों, चयन प्रक्रिया का, जो आवेदक का चयन शारीरिक दक्षता और लिखित आदान परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यह रही महत्वपूर्ण जानकारी नेशनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट 2018 की। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो या फिर न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।